यहाँ पर मैंने थोड़े से कल रात के राइस बच गए थे, तो मैं जो राइस है इसका बनाऊंगी मसाला राइस। एंड मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कमेंट में कि मसाला राइस कैसे बनाते हैं। मैंने बताया भी है ऐसे कमेंट का, रिप्लाई किया है एक दो कमेंट का, बट मैं आज दिखा भी दूंगी कि इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लाइक पोहा की तरह बनाते हैं। बस खाली पोहा भिगोना पड़ता है। यहाँ पर पोहा जो है मतलब राइस भिगोने की ज़रूरत नहीं, राइस बने होने, कुक्ड राइस होने चाहिए, बने हुए राइस होने चाहिए और फिर बन जाता है। तो मैं आपको आज जो व्लॉग है इसमें दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ मसाला राइस। एंड मसाला राइस जो है निष्ठा और मैं ही खाते हैं, तो थोड़ा सा आई मेक इट स्पाइसी। मसाला राइस की तैयारी, कढ़ाई में तेल डालूंगी। तेल जो है कम लूंगी क्योंकि राइस जो है थोड़े कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो राइस में जो है मैं नीचे मसाले जो है ऐड कर दूंगी, नमक ऐड करूंगी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी। तेल गरम हो गया, राय डाल दूंगी। अब डालूंगी सिंगदाना, इसको अच्छे से क्रिस्पी करूंगी मैं पहले। अब डालने के इसमें हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और प्याज, मिक्स कर लो, गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तब तक जब मसाला होता है तब तक मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करूँगी इसमें और मसाला जो है हो चुका है। अब चावल ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लूंगी, मिक्स मिक्स मिक्स। इसको अच्छे से भूजेंगे फॉर 5 to 10 minutes, जिस चावल जो है अच्छे से हो जाए, मसाला पूरा चल जाए उसके अंदर। धनिया भी ऊपर से ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस विद इन 5 minutes मसाला राइस जो है रेडी हो जाएगा और ये मसाला फ्राइड राइस जो है रेडी हो गया इंडियन स्टाइल। मसाला राइस, ए बेबी।